नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में आपराधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पालम एक्सटेंशन का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला पर गोली चला दी। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की ये रिपोर्ट। ये पूरा मामला दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आने वाले पालम थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक महिला पर गोली चला दी। पालम के रामफल चौक के पास हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में अपराध के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ताज़ा मामला पालम एक्सटेंशन का है, जहाँ सुनने में आ रहा है एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस वक्त उसी लोकेशन में हम लोग मौजूद हैं। ये वो मकान है जहां किराए पर वो महिला रहती थी। लगभग 30 से 35 वर्ष उसकी उम्र थी, जैसा कि यहां पर लोगों से पता चला है। हालांकि यहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यहां पर इंस्टीट्यूट्स और होटल्स हैं, तो लोग यहां आते हैं, अपनी नाइट शिफ्ट करते हैं और सुबह चले जाते हैं। तो नाइट शिफ्ट के लोगों को ने देखा होगा कि क्या कुछ हुआ, जो कि अब नहीं है, शिफ्ट बदल गई है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों से हमने बातचीत की, जिन्होंने कैमरे पर तो आने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि महिला काफ़ी समय से यहाँ रह रही थी, 30 से 35 वर्ष उसकी उम्र थी, और दो व्यक्ति बाइक पर आए और उनकी आपस में बातचीत हुई और यहीं पर इसी जगह पे उन्होंने शूट आउट कर दिया। दो गोलियाँ महिला को मारी थी और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। हालाँकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक हाथ नहीं लग पाई है। जैसे ही इसके संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाइक से आया था। कितना गोली मारा? तीन मारा। तीन गोली मारा। और महिला ऑन द स्पॉट मर गई थी? ना, श्वास चल रहा था। तो कहाँ, हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, हॉस्पिटल है, इंदिरा हॉस्पिटल बोला था। इसमें वो लेडीज अकेली रहती थी क्या? हाँ, उसका हस्बैंड भी रहता था, लेडीज भी रहती है। यही थी क्या जो लिखा हुआ भावनी शर्मा? ना, उसका ना, वो तो किराया पे रहती है। किराया पे रहती थी? हाँ। अच्छा, यही बात है बस। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मनोज सिंह ने बताया, घायल महिला की पहचान 31 वर्षीय रोशनी के रूप में हुई है। महिला को गोली लगने के बाद उसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि घायल महिला को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला पालम एक्सटेंशन में परिवार के साथ रहती थी। उनके पति ताराचंद ने बताया कि तीन लोगों ने रोशनी पर गोली चलाई है। गंभीर हालत के चलते पुलिस महिला का बयान नहीं ले पाई, लिहाजा अभी तक हमला करने का पता नहीं चल पाया है और अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बहरहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और पुलिस को महिला के स्वस्थ होने का इंतजार है, ताकि उसके बयान लिए जा सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।